हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने अपना प्रथम शैक्षणिक उद्घाटन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि तकनीकी शिक्षा मंत्री विक्रम ठाकुर ने शिरकत की। इस अवसर पर सांसद अनुराग ठाकुर, विधायक नरेंद्र ठाकुर, कमलेश कुमारी भी मौजूद रही। कार्यक्रम में पहुंचने पर बीसी डॉक्टर एसपी वंसल ने सॉल टोपी पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। उद्घाटन अवसर पर पहुंचे मुख्य अतिथि तकनीकी शिक्षा मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि तकनीकी यूनिवर्सिटी ठीक तरीके से चले इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है, ताकि छात्रों को अपने प्रदेश में अच्छी शिक्षा मिल सके। ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने संस्थान तो खोले लेकिन सुविधाएं नहीं दी हैं, लेकिन बीजेपी सरकार हर सुविधा देने के लिए कृत संकल्प है। हिमाचल प्रदेश के अंदर टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर के अंदर अच्छे तरीके से चले, सुचारू रूप से काम चले, शब्द इसमें टेक्निकल लगा है, उसके लिहाज से यहाँ पर उसी प्रकार के कोर्सेज शुरू हो, एक भव्य भवन का निर्माण हो और अच्छे यहाँ पर प्रोफेसर आए, जिसके कारण से बच्चों को हमीरपुर के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर ही एक अच्छी एजुकेशन मिल सके। उसी के संदर्भ में यहाँ पर इस बार कुछ कोर्सेज शुरू किए गए हैं, ताकि उन कोर्सेज के माध्यम से हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं वो यहीं से सीखें और यहीं से सीख के वो अच्छी जगह पर उनकी प्लेसमेंट हो। आज का ये जो हमारा हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी का इसी प्रकार का ये आज का हमारा कार्यक्रम है। इन जनरल मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं, पिछली सरकारों ने टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को इस प्रकार से खोला है, यानी यहाँ पे ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। हम इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। पिछले 8 महीनों के अंदर हमने कोशिश की है कि जहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर अच्छे टीचर्स दिए जाएं, और इस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले दिनों में टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एक अच्छा नाम हिमाचल प्रदेश के अंदर और देश के अंदर होगा। अभी इस विषय के ऊपर तो मैं नहीं बोल पाऊंगा कि कितना टाइम लगेगा, काम चला है, जोरों पे चला है, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ फॉरेस्ट की क्लियरेंसेज का विषय आ जाता है, केवल टेंडरिंग प्रोसेस के अंदर टाइम लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे यहाँ वीसी साहब बैठे हैं, बड़े जोर के साथ जो हमारी टीम है, चाहे वो पॉलिटिकल टीम है चाहे वो टेक्निकल टीम है, पूरे जोर के साथ हम इस काम को सिरे चढ़ाएंगे, ऐसा मेरा सोचना है। जिला कांगड़ा में जिला परिषद के उपाध्यक्ष सीट पर बीजेपी को मिली करारी हार पर विक्रम ठाकुर ने माना कि बीजेपी जिला कांगड़ा में कमजोर है और कमियों के रहने के चलते बीजेपी ने जिला परिषद उपाध्यक्ष की सीट खोई है। विक्रम ठाकुर ने कहा कि कांगड़ा जिला में बीजेपी पहले भी कमजोर थी और अब भी कमजोर है। पहले भी पीछे थी, अब भी पीछे, कहीं कोई कमी रही है? कमियां तो रहती हैं, तभी पीछे जाता व्यक्ति। ठीक करेंगे, ठीक करेंगे। वहीं सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज तकनीकी युग है और इसीलिए प्रयास किया जाना चाहिए कि आविष्कार करने के लिए लैब खुलनी चाहिए, ताकि हिमाचल में रहकर ही युवा अपने अनुभव को दिखा सके। ठाकुर ने उद्योग मंत्री से निवेदन किया है कि वह हमीरपुर में जॉब मेला लगाएं, ताकि रोजगार की चिंता दूर हो सके, साथ ही स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए भी कक्षाएं लगाई जानी चाहिए। लेकिन एक बात की चिंता सदा रहती है कि जो रोजगार के अवसर यहां पर कम होते हैं, क्योंकि आप तकनीकी शिक्षा के साथ साथ उद्योग मंत्री भी हैं, मैं सभी युवाओं के माध्यम से आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमीरपुर में एक जॉब मेला लगवाएं, ताकि हमारे यहां के युवाओं को रोजगार के अवसर मिल पाए। और मुझे पूर्ण विश्वास है जब रोजगार मेला लगेगा तब बहुत सारे युवाओं को अपने ही घर में रहकर इंडस्ट्री वालों के पास पहुंचकर, बहुत बच्चे ऐसे जो किराया खर्च करके बद्दी, दिल्ली या चंडीगढ़ नौकरी ढूंढने भी नहीं जा सकते, हमारा ये प्रयास रहेगा। दूसरा वीसी साहब, मेरा आपसे निवेदन रहेगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखे जो ग्रेजुएट तो हो गए लेकिन अपना सीवी बनाना भी ढंग से नहीं आ पाता, इंटरव्यू में कैसे पेश आना है, या कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है। मुझे लगता है हमें इन सब बातों की और भी ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि हमारे यहां के छात्र छात्राएं जब बाहर जाएं पढ़ लिखकर, तब उनकी इस तरह की तैयारी होनी चाहिए कि ग्रुप डिस्कशंस हो, किसी इंटरव्यू में भाग लेना है तो किस तरह से लेना है, इनोवेशन के क्षेत्र में आपके छात्र क्या करना चाहते हैं, किस तरह के इंक्यूबेशन सेंटर्स आप यहां पे बना सकते हो,
क्या उस दिशा में भी आपका कोई प्रयास है? अगर आपका कुछ होगा तो आज अभी समय ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। आप कभी भी, मैं आपके कैंपस में आऊंगा या आपसे बैठकर बात करूंगा, हम इकट्ठे मिलकर एक टिंकरिंग लैब, अगर हो सके तो एक टिंकरिंग लैब यहां पर खोलने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे यहां के छात्र ना केवल नौकरी ढूंढने के लिए जाएं, बल्कि आविष्कार करने के क्षेत्र में भी आगे बढ़ पाएं और हम अपने इलाके का नाम आगे करें।